हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लोगों तक शेयर कर दीजिए। आज की क्लास हमारी बिहार पीजीटी समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार विसंबंधन से क्या तात्पर्य है? संपत्ति का बेकब्जा, सत्ता का बेकब्जा, मनुष्य का अमानवीकरण, कामगारों का शोषण। कार्ल मार्क्स के अनुसार विसंबंधन से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मनुष्य का अमानवीकरण। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में अलगाव एलिनेशन की अवधारणा दी है। इनके अनुसार पूंजीवाद के विकास के साथ साथ जीवन की दशाओं में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आया है। ज्यों ज्यों पूंजीवाद के पंख फैले हैं त्यों त्यों कारखानों और मिलों में काम करने वाले श्रमिकों में अलगाव आया है। मार्क्स के अनुसार अलगाव वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं से विमुख हो जाता है। कार्ल मार्क्स ने अलगाव की कुछ विशेषताएँ बताई हैं जिसमें कामगार का अमानवीकरण, वैयक्तिक विघटन, समाज के साथ अनुकूलन का अभाव, स्वयं एवं दुनिया से पृथककरण, वस्तुगत जीवन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति राजनैतिक व्यवस्था में मुखिया सामाजिक सुव्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? ऑप्शन में है अशीर्ष, शीर्ष, अधिकारी तंत्र, अल्पतंत्र। यहाँ पर पूछा है किस जनजातीय राजनैतिक व्यवस्था में मुखिया सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसका राइट आंसर है शीर्ष समाज, ऑप्शन सेकंड। शीर्ष समाज यह एक ऐसी राजनैतिक व्यवस्था है जिसमें कबीले का मुखिया व्यक्ति सामाजिक सुव्यवस्था बनाए रखने में भूमिका निभाता है। और अशीर्ष यह ऐसे समाजों की राजनीतिक व्यवस्था के लिए है जो केंद्रीय सत्ता विहीन होते हैं, जहाँ पर समाज में कोई मुखिया नहीं होता है वह अशीर्ष समाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत जनजाति के लिए एकीकृत जनजाति विकास संवर्धन हेतु अलग से उपयोजना बनाई गई है? ऑप्शन में है पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फोर, पांचवी पंचवर्षीय योजना। अनुसूचित जातियों के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में एक अलग योजना चली जिसे जनजाति उप योजना कहते हैं, इसे समन्वित जनजाति विकास परियोजना भी कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है, न्यूर पितृवंशिक होते हैं और खासी मातृवंशिक होते हैं, बद्दू पितृवंशिक होते हैं और होपी मातृवंशिक होते हैं, गारो मातृवंशिक होते हैं और टोडा पितृवंशिक होते हैं। उपर्युक्त कथनों में कौन सही है? ऑप्शन में है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, केवल दो, एक दो और तीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एक और तीन। न्यूर पितृवंशिक होते हैं, खासी मातृवंशिक ये सही है, गारो मातृवंशिक होते हैं, टोडा पितृवंशिक होते हैं ये सही है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। खासी और गारो लोगों में मातृवंशी संयुक्त परिवार पाया जाता है, जबकि टोडा में पितृवंशी व मातृवंशी दोनों संगठनों की विशेषताएं मौजूद हैं तथा न्यूर और बद्दू पितृवंशी एवं होपी मातृवंशिक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन मुख्यतः किस लिए संगठित किया गया है? ऑप्शन में है बटाईदारों के लिए 2/3 हिस्सा, कृषि श्रमिकों के लिए अधिक मजदूरी, भू स्वामियों के लिए कम लगान, स्त्री श्रमिकों की मजदूरी में बढ़ोतरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बटाईदारों के लिए 2/3 हिस्सा। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 में बटाईदारों का आंदोलन था जो फसल का 2/3 हिस्सा अपने पास रखना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपिको आंदोलन प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध चलाया गया था? ऑप्शन में मद्यपान, वनोन्मूलन, घरेलू हिंसा, बधुआ मजदूरी। अपिको आंदोलन ये जनजातियों द्वारा चलाया गया आंदोलन था जिसमें वनों के काटने पर विरोध किया जा रहा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, वनोन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि विचार सामाजिक परिवर्तन की दिशा को स्वतंत्र रूप से प्रभावित कर सकते हैं? ऑप्शन में है किंग्सले डेविस, मैक्स वेबर, विल्फ्रेड पेरेटो, एल आर बर्न्स। विचार सामाजिक परिवर्तन की दिशा को स्वतंत्र रूप से प्रभावित करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण धर्म को माना है, इसलिए धर्म एक विचार तथा विश्वास है, अतः सामाजिक परिवर्तन का कारण विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के निर्धारणवादी सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक महत्वपूर्ण है? एकल कारक, द्विकारक, बहुकारक, आंतरिक कारक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, एकल कारक। सामाजिक परिवर्तन के निर्धारणवादी सिद्धांत में एकल कारक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्फ्रेड पेरेटो ने प्रवर जन संचलन के अपने सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग किया है? शासन प्रवर्जन, सट्टेबाज, किराया भोगी, भूस्वामी। ऑप्शन में 1, 2 और 3, केवल 3 और 4, 1 और 4, 2, 3 और 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 1, 2, 3। शासन प्रवर्जन, सट्टेबाज, किराया भोगी। विल्फ्रेड पेरेटो ने परिवर्तन के चक्र के 3 पक्ष बताए हैं जिसमें पहला राजनीतिक है, दूसरा आर्थिक है और तीसरा आदर्शात्मक पक्ष है। राजनीतिक पक्ष में सत्ता शेर और लोमड़ी में परिवर्तित होती रहती है, आर्थिक पक्ष में सट्टेबाज और निश्चित आय वाले वर्ग के बीच में सत्ता घूमती रहती है, आदर्शात्मक पक्ष में विश्वास और अविश्वास का चक्र लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें जाति अधिक्रम में निम्नतर स्थान पर जातियां उच्चतर जातियों की प्रथाओं का समानुकरण कर ऊपर मुखी गतिशीलता पाने का प्रयत्न करती हैं? ऑप्शन में है क्षत्रियकरण, संस्कृतकरण, ब्राह्मणीकरण, आधुनिकीकरण। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें जाति अधिक्रम में निम्नतर स्थान प्राप्त जातियां उच्चतर जातियों की प्रथाओं का समानुकरण कर ऊपरमुखी गतिशीलता पाने का प्रयत्न करती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, संस्कृतिकरण। एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन ऑफ सोसाइटी अमंग द कोर्स ऑफ साउथ इंडिया में ब्राह्मणीकरण तथा संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन सिंगर और मैकी मैरियट ने भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने में किस संकल्पना का प्रयोग किया?
ऑप्शन ए पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण, लघु एवं महान परंपराएं, संरचना एवं प्रकार, औद्योगीकरण एवं नव उदार अर्थतंत्र। मिल्टन सिंगर और मैकी मैरियट ने भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए लघु एवं महान परंपरा का प्रयोग किया है। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट के किस पंथ के धार्मिक विचार पूंजीवादी विकास में सर्वाधिक सहायक हुए हैं? ऑप्शन में बैप्टिस्ट, केल्विनिस्ट, एनाबैप्टिस्ट, पाइटिस्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, केल्विनिस्ट। बेबर ने अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट धर्म और पूंजीवाद में पूंजीवाद के विकास का कारण प्रोटेस्टेंट धर्म को बताया है। काल्विन एक समाज सुधारक थे जिन्होंने प्रोटेस्टेंट समूहों का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार विनिमय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन में है, बाजार विनिमय विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक विनिमय का आर्थिक प्रतिरूप है। बाजार विनिमय विनिमय करने वाले पक्षों को निर्धारित नहीं करता। बाजार विनिमय केवल ज्ञात लोगों में वस्तु का अंतरण संभव करता है। ऑप्शन दिया है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक, एक दो और तीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, केवल एक। बाजार विनिमय विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक विनिमय का आर्थिक प्रतिरूप है। ये ऑप्शन सही है। बाजार विनिमय में यहाँ तीसरे ऑप्शन में है बाजार विनिमय केवल ज्ञात लोगों में वस्तु का अंतरण संभव करता है। ज्ञात लोगों में नहीं, अज्ञात लोगों में भी विनिमय होता है। सिर्फ ज्ञात लोगों में ही नहीं, अज्ञात लोगों में ही भी विनिमय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रित योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं? गरीबी हटाओ की राजनीति, भूमि सुधार जैसी गरीबी प्रतिकार नीतियां, कृषि उत्पादन के पीछे राज्य का बल लगाना, सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक इकाइयों के माध्यम से अर्थव्यवस्था नियंत्रित करना। ऑप्शन में दिया है केवल एक, दो और तीन, केवल एक, तीन और चार, केवल दो और चार, एक, दो, तीन और चार। भारत में नियंत्रित योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये चारों ऑप्शन ही सही हैं, गरीबी हटाओ की राजनीति, भूमि जैसी गरीबी प्रतिकार नीतियां, कृषि उत्पादन के पीछे राज्य का बल लगाना, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के माध्यम से अर्थव्यवस्था नियंत्रित करना। ये चारों ऑप्शन सही है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिया है वर्ष 1991 में भारत ने बाजार समर्थक कार्यनीति अपनाई। इसका अर्थ यह है कि भारत ने अपना आंतरिक नियामक ढांचा उदार बना दिए, प्रशुल्क घटा दिए, उपयुक्त विनिमय दर नीतियां अपनाई, विदेशी निवेशकों को अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने दिया। यहां ऑप्शन दिया है एक, दो और तीन, दो, तीन और चार, एक और चार, एक, दो, तीन और चार। वर्ष 1991 में भारत ने
बाजार समर्थक कार्य नीति अपनाई, इसका अर्थ यह है कि भारत ने, इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन सही है, अपना आंतरिक नियामक ढांचा उदार बना दिए, प्रशुल्क घटा दिए, उपयुक्त विनिमय दर नीतियां अपनाई, विदेशी निवेशकों को अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने दिए। ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक व्यवहार के निम्नलिखित आर्थिकेतर निर्धारकों में किस किस ने पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में युक्तिक पूंजीवाद की वृद्धि में योगदान नहीं दिया है। ऑप्शन में अधिकारी तंत्री, यौक्तिक विधिक राज की समृद्ध, करिश्माई नैतिक पैगंबर नेता, परिवहन और संचार की समृद्ध, प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्री था। आर्थिक व्यवहार के निम्नलिखित आर्थिकेतर निर्धारकों में से किस किस ने पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में युक्तिक पूंजीवाद की वृद्धि में योगदान नहीं दिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, करिश्माई नैतिक पैगंबर अथवा नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल समाजों की आर्थिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ तीन कथन दिया है। एक, बड़ी संख्या में सरल समाज वर्षानुवर्ष एक ही खेत पर कृषि करते रहते हैं। शिकारी एवं संग्राही समाज केवल पशुओं के शिकार पर ही जीवन यापन करते हैं। थर्ड ऑप्शन है, तमिलनाडु की नीलगिर पहाड़ियों में भैंस पालक और जम्मू एवं कश्मीर के भेड़ बकरी पालक पशुचारी समुदायों के उदाहरण हैं। ऑप्शन दिया गया है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक दो और तीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3, एक और तीन। एक, बड़ी संख्या में सरल समाज वर्षानुवर्ष एक ही खेत पर कृषि करते रहते हैं, ऑप्शन 1, और तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में भैंस पालक और जम्मू एवं कश्मीर में भेड़ बकरी पालक पशुचारी समुदायों के उदाहरण है। ये ऑप्शन से ऑप्शन 1 और 3 सही है। शिकारी एवं संग्राही समाज शिकार करते हैं तथा भोजन का संग्रहण भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश किसान आंदोलन किस समस्या के समाधान के लिए थे? भूमि पुनर्विभाजन, अल्प सुविधा प्राप्त जातियों द्वारा शक्ति संघर्ष, जमींदारी एवं जागीरदार का उन्मूलन, उपर्युक्त तीनों। अधिकांश किसान आंदोलन किस समस्या के समाधान के लिए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। भूमि पुनर्विभाजन, अल्प सुविधा प्राप्त जातियों द्वारा शक्ति संघर्ष, जमींदारी और जागीरदार का उन्मूलन, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वर्ष में 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? ऑप्शन में है दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पांडिचेरी। तो इसका राइट आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार ऑप्शन 2, लक्षद्वीप। यहाँ लक्षद्वीप में 81.56% जनसंख्या थी, साक्षरता दर थी 81.56%, और दिल्ली में 75.00% थी साक्षरता दर, चंडीगढ़ में 76.75% थी और पुडुचेरी में
79.13% थी। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा साक्षरता दर महिलाओं की 2011 जनगणना लक्षद्वीप में थी, 81.56%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज का वह प्रकार है जिसमें किसी व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करती है। ऑप्शन में है औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज, पूर्व औद्योगिक समाज, आधुनिक समाज। तो यहाँ पूछा है प्रदत्त परिस्थिति के बारे में, जिसमें किसी व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है, तो वो है पूर्व औद्योगिक समाज, ऑप्शन थर्ड। पूर्व औद्योगिक समाज में प्रदत्त परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्मो रोपर ने उद्योगों में कार्य के प्रति अभिप्रेरण बढ़ाने के लिए 4 प्रोत्साहनों को गिनाया है। प्रथम 3 हैं, पहला है सुरक्षा, दूसरा है उन्नत एवं तीसरा है मानवीय गरिमा। चौथा प्रोत्साहन क्या है? संबंध की अनुभूति, तादात्म्य की अनुभूति, विश्वास की अनुभूति, उपयोगिता की अनुभूति। तो इसका राइट आंसर है संबंध की अनुभूति, ऑप्शन फर्स्ट। सुरक्षा, उन्नत, मानवीय गरिमा और संबंधन अनुभूति की बात एल्मो रोपर ने उद्योगों में कार्य के प्रति अभिप्रेरण बढ़ाने में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 कथन दिया गया है, नगर समृद्धि के संकेंद्रीय अंचल निदर्श ने नगर समाज विज्ञान के प्रारंभिक अध्येताओं को नगर समृद्धि के आनुभविक प्रेक्षक और विश्लेषण उपलब्ध कराए। ऑप्शन सेकंड है, नव महानगर बहुकेंद्रक सिद्धांत की अपेक्षा संकेंद्रीय अंचल निदर्श कम सादृश्य रखता है। ऑप्शन में है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। क्वेश्चन है, नगर समृद्धि के संकेंद्रीय अंचल निदर्श ने नगर समाज विज्ञान के प्रारंभिक अध्येताओं को समृद्धि के आनुभविक प्रेक्षक और विश्लेषण उपलब्ध कराए हैं। और सेकंड है, नव महानगर केंद्रक सिद्धांत की अपेक्षा संकेंद्रीय अंचल निदर्श कम सादृश्य रखता है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस सेशन ने 1991 में निम्नलिखित नगरों के किस समूह का वैश्विक नगर की संकल्पना विकसित करने में अध्ययन किया है? न्यूयॉर्क, लंदन एवं टोक्यो, न्यूयॉर्क, पेरिस एवं बोस्टन, लंदन, मिलानो, शिकागो, टोक्यो, न्यूयॉर्क, मास्को। एस सेशन ने 1991 में न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो का अध्ययन करके वैश्विक नगर की संकल्पना दी थी। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत संबंधों के निम्नलिखित रूपों पर विचार कीजिए। यहाँ 4 ऑप्शन है, सामाजिक क्रिया, सामाजिक संस्थाएं, समुदाय, सामाजिक संबंध। मैक्स वेबर ने नगरीय समुदाय का सिद्धांत विकसित करने के लिए उपर्युक्त में से किन किन रूपों को साथ में लिया है? केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2 और 3। विकासी नगरों में अंतः सांस्कृतिक संपर्क बार बार स्थापित होते हैं, नियत विकासी नगर प्राथमिक नगरीकरण को आगे ले जाते हैं। केवल 1, केवल 2, 2 और 3, 1 और 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, 1 और 3। नियत विकासी नगर अग्रवर्ती देशी परंपरा का वहन करते हैं,
नियत विकासी नगर प्राथमिक नगरीकरण को आगे ले जाते हैं? ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सर्वप्रथम एकल विवाह को विवाह के स्वीकृत रूप में मान्य किया? ऑप्शन में हिंदू विवाह अधिनियम 1935, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1975, हिंदू विवाह अधिनियम 2000। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सर्वप्रथम एकल विवाह को विवाह के स्वीकृत रूप में मान्य किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए उपबंध है? ऑप्शन में अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 338। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 338, ऑप्शन फोर। अनुच्छेद 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के अधीक्षणों निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना है, अनुच्छेद 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किसी विशेष जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में भी निर्दिष्ट करने के लिए उपबंध है? ऑप्शन में अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 342, ऑप्शन फर्स्ट। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी का उपबंध है और अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति की व्यवस्था है। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय जनसंख्या का सही विभाजन है? यहाँ तीन ऑप्शन दिए, इंडो आर्यन, द्रविड़, मंगोलायड एवं अन्य। ऑप्शन चार दिए हैं, 72%, 25%, 3%, 66%, 24%, 10%, 50%, 40%, 10%, 38%, 57%, 5%। तो इसका राइट आंसर है भारतीय जनसंख्या का सही विभाजन पूछा है। इसका इंडो आर्यन में 72%, भारतीय जनसंख्या में इंडो आर्यन 72% हैं और द्रविड़ 25% हैं, मंगोलायड और अन्य ये 3% हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।